गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सारे आप अच्छे ही होंगे। तो आज हमारे को कुछ ऑफिशियल वर्क है, लुधियाना जाना पड़ रहा है। तो सरना ब्रदर्स आज लुधियाना जा रहे हैं और हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर कुछ ना कोई दीप कायरोप्रैक्टर के नाम से क्लिनिक है, डॉक्टर साहब हैं कोई, डॉक्टर दीप। तो वो लोगों को जैसे डिस्क पेन हो गया या नेक का हो गया, सर्वाइकल हो गया, ये सारा कुछ देखते हैं। तो लुधियाना तो जा ही रहे हैं हम, तो सोचा अगर प्लानिंग बनी तो उधर भी होके आएंगे और आपको दिखाएंगे अगर कुछ समझ आया तो। क्योंकि लोग बोलते थे कि हमें डिस्क की प्रॉब्लम है, हमें नेक की प्रॉब्लम है, और अगर आप जाओ तो लुधियाने इस जगह पर जाके एक बार देखना, वो डॉक्टर के बारे में बड़ा सुना है। तो हम इसीलिए उधर जा रहे हैं, किसी काम से तो जा ही रहे हैं, तो हमने सोचा चलो उसी चक्कर उधर भी चलते हैं। तो कुछ अगर ठीक हुआ, अगर अच्छा कुछ हुआ तो हम बताएंगे लोगों को, लोगों का भला भी होगा। क्योंकि जो अपने लिंक्स में काफी है लोग हैं जिनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, आजकल हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, डिस्क प्रॉब्लम तो सभी को ही है। गाइस जैसे भी आगे की प्लानिंग होगी, जो भी होगा, तो मिलते हैं फिर आपसे। तो हम पहुंच गए इस टाइम समालका, समालका पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया है अभी। और गाइस रास्ते में थोड़ा बहुत जाम मिला था, और बाकी मौसम बहुत अच्छा है, मौसम इज वेरी ऑसम। तो गाइस झिलमिल पहुंच चुके हैं करनाल में, और थोड़ा इधर ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय चाय पियेंगे, उसके बाद निकलते हैं। ऑलमोस्ट हम जब भी पंजाब के लिए निकलते हैं तो हमारा फर्स्ट डे करनाल झिलमिल पर ही होता है। ये पम्मी बाजी बैठे हैं, परांठे परूठे छक चुके हैं। तब बिल की लेट है, बिल पे करके फिर चलते हैं। हेलो गाइस, हम लुधियाना पहुंच चुके हैं और हमारा जो ऑफिशियल वर्क था वो भी कंप्लीट हो गया। तो जो हमने मॉर्निंग में आपसे बात करी थी कि हम जो दीप क्लिनिक है लुधियाना में उधर जाने की, तो हम वहाँ लेट हो गए हैं। तो हमने सोचा कि लुधियाना में गुरुद्वारा दुख निवारण साहब दर्शन कर लिए जाएं और आपको भी दर्शन कराएंगे, और मॉर्निंग में जब हम चलेंगे उधर दीप क्लिनिक में तो वहाँ पर आपको बताएंगे। तो आप पहले गुरुद्वारा दुख निवारण साहब लुधियाना में दर्शन कीजिए। Oh,
भैया गाइस दूध कढ़ाई वाला और जलेबी गरम गरम आज थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, ड्राइव भी बहुत लंबी थी और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत मिला था, तो गाइस अब रेस्ट करते हैं, सुबह मिलते हैं गाइस, ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग गाइस, रेडी हो गए असी ते आज दी साड़ी जी प्लानिंग हैगी है, असी लुधियाना तो दिल्ली जाना घर वापस, तो रस्ते भी जो डॉक्टर साहब की साड़ी गल चल रही है उन्होंने तो जाके मिल के गल करांगे जिस तरह जगह तुम दसांगे। तो गाइस हम पहुंच गए दीप कायरोप्रैक्टर, आप देख सकते हैं कितने पेशेंट्स आ चुके हैं, तो हम भी राइट टाइम ही पहुंचे 9 o'clock। भीड़ रोज ही ऐसा होता है, भीड़ डेली होता है, छुट्टी होता है, हम लोग भी छुट्टी। अच्छा आप भी संडे में? सारी उम्र हो गई यहाँ पर, हम भी दिल्ली से आए हैं इनका सुन के, तो हमने बोला देखें जरा डॉक्टर साहब के हाथ में जो जादू है वो देखें, और जो पूछा तो चाय वाला कैसा है तो बता देंगे, आप जानते हैं, फिर तो हमें आपसे सफारी लड़ानी पड़ेगी। अरे डॉक्टर साहब आए नहीं, ने वेटिंग में सारे बैठे हुए ने, वेट कर रहे ने सारे पेशेंट ही ने। गए जैसे डॉक्टर साहब को आ गए उन्होंने क्लिनिक विच, ते दोनों दिखाते हैं उन्हें, ये डॉक्टर साहब हैगे ने, किसी पेशेंट नु देख रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बैक पेन है कि इन्हें? हाँ जी हाँ जी, उन्होंने शेटी का पेन है जी, नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। शेटी का पेन? अच्छा जी, थोड़े थोड़े L5 है सन, हाँ आ जी, चल फॉर L5। डॉक्टर साहब उन्होंने चलन में दिक्कत आती थी, चलन में प्रॉब्लम है ना? सेटिंग का सीधा यही होता कि L4 L5, ठीक है, L5 S1 को नर्व जाती है, हाँ जी, प्रेशर क्रिएट कर दिया फिर नीचे तक बंदे को दर्द ना होगा। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी, चीज़ की इन्हें पेन आ गई है, ठीक है, एक इन्हें अपर बैक के बीच भी पेन है, ठीक है, इन्हें वॉकिंग के बीच भी सेटिंग का सीधा हो गया, तो उन पाजी दोनों चलें थोड़ा रिलैक्स सर हो रहे जी, डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, डॉक्टर साहब असं दिल्ली में आए हैं, थोड़ा बड़ा ही असं जिस तरह इंस्टाग्राम वीडियोस काफ़ी देखिया ने, जिस तरह लोग बड़े आते हैं थोड़े को परेशान हो गए, और मैं बाहर देखे भी थोड़े को जम्मू तो भी लोग आए हुए थे, काफ़ी काफ़ी दूरों आते हैं, तो उन्होंने मैं पूछा भी सी बाहर रिलैक्स काफ़ी महसूस होंगे उन्होंने,
तो मैं भी अपना थोड़ा शोल्डर भी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम सी, मैं क्या चलो अपना भी दिखवा लाँगे तो आप जी को थोड़े दर्शन भी कर लाँगे। ठीक है जी, तो तुम कितने टाइम तो बैठे हो? एक्चुअली मेरे फादर साहब पहले इस फील्ड के है मेरे नाल, ठीक है, उन्होंने तकरीबन 13-14 साल हो गए सानू इस प्रैक्टिस के विच, कैरो प्रैक्टिस के विच। ठीक है जी, ठीक है जी। तो एक्चुअली बहुत सेफ प्रैक्टिस है जी, मतलब कोई भी इंसान जिन्होंने नहीं भी कोई प्रॉब्लम ना वो भी एडजस्टमेंट्स ले सकता, सो दैट उन्होंने फरदर दिक्कत ना आए, है ना। आप बंदे के पोस्चर करैक्ट करते हैं एक्चुअली अकॉर्डिंगली, जो वो अंदर मिसअलाइनमेंट्स या डिफॉर्मेशन होंगे ने असं उस हिसाब न एडजस्टमेंट्स दें, तो जो ही आप नैचुरली किसी चीज़ को एडजस्ट करने की जो पेनज ने वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाती है। सो अपना मेन टास्क यही होंगे कि पेन मैनेजमेंट करना, कि पेन में आप रिकवर कर लिए एंड दूजा वा पोस्चर को करैक्ट कर लिए, सो दैट जो पोस्चर करके दिक्कत आती है उन्होंने आप ठीक कर लिए। मेन पोस्चर का ही है सारा जो, हाँ कह लो कि शुरुआत तो उतने ही होंगी है, कह लो उही फिर अगर पेन च आ जाती है। ठीक है, एडजस्टमेंट बिल्कुल सही है। हाँ जी, सत श्री अकाल वीर जी, की नाम है जी तुहाडा? सिमरनजीत सिंह। किधरों आए हो? नकोदर तो। नकोदर, की प्रॉब्लम थी तुहानू? सर मैनू लोअर बैक प्रॉब्लम थी। अच्छा, ते मेरे सर्वाइकल दी सी प्रॉब्लम। अच्छा जी, मैं एक्सीडेंट कारण थोड़े मतलब डैमेज हो गया मेरे रीढ़ की हड्डी। अच्छा जी, उदा करके मैं मतलब डॉक्टर साहब को आया ते हुन मैं देखा कुछ फर्क लगे तुहानू? मैनू अगे नू काफी बेटर लग रहा। अच्छा, जो मैं पहली बार आया थी उदो मेरे काफ़ी दर्द सेगा। अच्छा जी, पर हम बिल्कुल बैटर लग गया। चलो ठीक है जी, नालों काफ़ी बैटर आ गई। चलो ठीक है जी, वाहेगुरु कृपा करे सारे ठीक हो, थैंक यू जी। तो तुम देख सकते हो पेशेंट्स आए हुए पे, और इसका सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जिस तुम आना चाहते तो पहला अपॉइंटमेंट ले सकते हो मैडम है ने, तो मैं ये सारा नंबर नंबर सारा कुछ लिख दाँगा। तो डॉक्टर साहब नाल भी गल हो गई है, तो असी अपना भी चैकअप करा लिया, बहुत अच्छे तरीके नाल देखे उन्होंने, तो काफ़ी लोग इधर पेशेंट दूरों दूरों आते हैं तो आराम पा के जाते हैं, तो जो तुहानू चंगा लगे हो तो तुसी लोग भी इतने आके अपना बॉडी चैकअप करा सकते हैं, मसल जो भी है, तो हम असी दिल्ली चलने वास्ते तैयार है जी।